गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री आवास पर सीआरपीएफ जवान भी तैनात होंगे। अभी तक सीएम आवास पर एनएसजी कमांडो के अलावा यूपी पुलिस के जवान होते थे और अब सीआरपीएफ की प्लाटून भी होगी। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की लेटेस्ट रिपोर्ट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद इस पूरे मामले में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स की है और ये तय हुआ है कि सीएम योगी की सुरक्षा में इजाफा किया जाएगा। हम इस समय लखनऊ में 5 कालिदास पर मौजूद हैं और 5 कालिदास पर आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ की यूनिट है, टुकड़ी है, 2 प्लाटून को यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि ये सरकारी आवास है 5 कालिदास, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। दरअसल गोरखपुर में उनका निज निवास है गोरखनाथ मंदिर, जहां पर हमले के बाद कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। आईएसआईएस और पूरा मामला सीरिया से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है और ऐसे में जब एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उस वक्त भी ये सीआरपीएफ के जवान लगातार उनकी सुरक्षा में तैनात थे और अब ऑफिशियली यहां सभी सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो निश्चित तौर पर जो एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी की मीटिंग हुई है उसके बाद ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इजाफा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कहीं भी बाहर जाएंगे तो सीआरपीएफ की ये यूनिट उनके साथ होगी और उनके निज निवास पर भी गोरखपुर में भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यानी कि 5 कालिदास आवास, इस पे भी सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात करने का साफ मतलब है कि एजेंसीज मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। यही वजह है कि इनपुट्स मिलने के बाद लगातार एजेंसीज एक दूसरे के संपर्क में हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है, जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मुर्तजा अब्बासी के पीछे असल मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो कौन है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है और सीआरपीएफ की 2 प्लाटून को मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात किया गया है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।